रिलायंस इंडस्ट्रीज ने केवी कामत को 5 साल के लिए कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शुक्रवार यानी 4 नवंबर को हुई मीटिंग में ये फैसला लिया। इस बात की जानकारी कंपनी ने अपने BSE फाइलिंग में दी है। इतना ही नहीं, कामत को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड यानी RSIL का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी नियुक्त किया गया है। फाइलिंग में कंपनी ने यह भी कहा है कि RSIL का नाम बदलकर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड यानी JFSL कर दिया जाएगा। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के डिमर्जर के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिमर्जर स्कीम को अप्रूव कर दिया है। JFSL को लिस्टेड भी कराया जाएगा। RIL के शेयर होल्डर्स को एक शेयर के बदले JFS का एक इक्विटी शेयर मिलेगा। बात करें केवी कामत की तो वो एक बैंकर है जिन्होंने 1971 में ICICI बैंक से अपना करियर शुरू किया था। 1988 में वो एशियन डेवलपमेंट बैंक में चले गए थे। इसके बाद वो 1996 में ICICI बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO बने थे। फिर कामत को 2009 में ICICI बैंक का चेयरमैन बनाया गया था। वो इस पद पर 2015 तक रहे थे। कामत इन्फोसिस के चेयरमैन भी रहे हैं। 2015 में कामत को ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था, जहां से वो 2020 में रिटायर हुए थे। कामत वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी NABFID के चेयरमैन है। कामत को 2008 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।